अब अपनी 84वीं गाथा है समय सार कर्मागम कर्ता कर्म अधिकार। 83वीं गाथा तक आत्मा और परद्रव्यों में निमित्त नैमित्तिक भाव बनने पर भी उस निमित्त नैमित्तिक भाव अर्थात निमित्त नैमित्तिक संबंध में पारस्परिक कर्ता कर्म भाव बिल्कुल नहीं है, बल्कि वहाँ जो परिणमन होते हैं तो वह उस पुद्गल परिणमन का कर्ता पुद्गल ही है और आत्मा के परिणाम का संपूर्ण रूप से कर्ता आत्मा ही है। दोनों में कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य भाव बिल्कुल नहीं है। ये बताया, ये तो हुई वास्तविक स्थिति। वास्तविक स्थिति मैंने त्रिकाला बाधित स्थिति, तीन काल में जिसमें कभी कोई बाधा नहीं आती और जो बात त्रिकाल ही विश्वास करने लायक होती है उसका वर्णन किया। अब व्यवहार बतलाते हैं। अब इनमें परस्पर आत्यंतिक स्वतंत्रता होने पर भी लोक में और आगम में जिस व्यवहार का उपयोग किया जाता है उसका भी प्रतिपादन करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है कि वो व्यवहार लोक में और आगम में अनादि काल से प्रवर्तित होता रहेगा। एक बात तो ये, अब उसमें ये बताना है खास बात तो कि वो व्यवहार केवल कथन मात्र का है, किसी प्रयोजन से और किसी कारण से उस व्यवहार का प्रयोग होता है, लेकिन व्यवहार की वह बात विश्वास करने लायक ममत्व करने लायक नहीं है, क्योंकि उसका फल संसार है। उसका कारण यह है कि उसका जो श्रद्धान है, उसका जो विश्वास है, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। ये इसमें प्राण है इसका मुख्य। व्यवहार बताने का प्रयोजन क्या हुआ? व्यवहार भी बता रहे हैं ना, और पहले क्या बताया? पहले निश्चय बताया, अब व्यवहार बता रहे हैं। तो व्यवहार बता रहे हैं और जिनवाणी में लिखा है तो व्यवहार का विश्वास कर लो कि वो इसलिए बता रहे हैं कि ये व्यवहार लोक में प्रवर्तित होता है और जिनवाणी में भी इसका प्रतिपादन बहुत विस्तार से किया है। क्योंकि व्यवहार का प्रतिपादन न करे तो निश्चय वस्तु का परिज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए व्यवहार का प्रतिपादन करना पड़ता है। लेकिन वह प्रतिपादन मात्र है, वो अनुभूति नहीं है, वह दूसरे को समझाने का, स्वयं समझने का, स्वयं चिंतन करने का एक तरीका है, लेकिन उसमें अनुभूति नहीं है, वो अनुभूति का कोई मार्ग नहीं है, इसलिए और उसका विषय अन्य है। शुद्धात्मा तो विषय अनुभूति में बनता है, शेष आत्मा के चिंतन में भी आत्मा जो विषय बनता है तो उसका निमित्त मन है, वहाँ मन का अवलंबन है, और जो अनुभूति है वो निर्विकल्प और निरावलंबी होती है, इसलिए वह व्यवहार विश्वास का विषय नहीं है। ये लोक की चिकित्सा पद्धति भी ऐसी होती है,
पहले से निदान बताते हैं ना डॉक्टर, और फिर इसके बाद पथ्य और अपथ्य बताते हैं। तो अपथ्य में क्या बताते हैं, देखो ये अपथ्य है, अर्थात ये चीजें तुम्हारे खाने की नहीं है, ऐसा बताते हैं या नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए तो बताते हैं। उसी तरह व्यवहार में नहीं क्या है, ये बात प्रवर्तित होती है, तुम खाते रहे हो इन चीजों को और इन पर इनको खाने योग्य मानकर इनका विश्वास भी करते रहे हो, लेकिन आज से इनका विश्वास छोड़ जाए। ये व्यवहार हम इसलिए बता रहे हैं कि ये प्रवर्तित है तुम्हारे परिणामों में भी, तुम्हारे ज्ञान में भी, लोक में भी, तुम्हारे घर में भी, बाहर भी, बाजारों में भी और आगम में भी। चरणानुयोग में सारा व्यवहार कथन है, सारा का सारा चरणानुयोग में व्यवहार कथन है, जो व्यवहार चरणानुयोग है, चरणानुयोग का जो व्यवहार पक्ष है उसकी बात। नियम सार का चरणानुयोग उसमें दोनों बातें हैं, लेकिन उसका जो व्यवहार पक्ष है रत्नकरण जैसा, तो वो व्यवहार प्रतिपादित तो किया जाता है, क्योंकि उससे निश्चय का परिज्ञान होता है एक बात। दूसरा, व्यवहार की वह भूमिका जब निर्मित की जाती है, बनाई जाती है व्यवहार की वो भूमिका, तो व्यवहार की उस भूमिका में यदि प्रयत्न किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए, तो निश्चय की उपलब्धि, आत्मा की उपलब्धि, आत्मा की अनुभूति हो सकती है। ये दो बातें उसमें, इसलिए व्यवहार का परिज्ञान कराया जाता है। लेकिन व्यवहार निश्चय के विरुद्ध और विपरीत होता है, तो दोनों का एक साथ विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे टोडमल जी ने दोनों के विश्वास वाला भी लिया है, क्या शब्द है वो, दोनों के विश्वास वाला शब्द क्या है, उभयवासी। तो व्यवहार बताते हैं, व्यवहार सदुआदा कोगल कम्मम करे दीने यदि हम तम चेव पुणो वे यई कोगल कम्मम अणे यदि हम। व्यवहार ने का ये मत है कि आत्मा अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को करता है और उसी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को भोगता है। व्यवहार नय का यह मत है, अर्थात व्यवहार नय इस तरह की बात करता है। क्यों करता है वो, व्यवहार नय ऐसी बात क्यों करता है? इसलिए करता है कि ये भी एक वस्तु स्थिति है कि जिस समय आत्मा कोई विकार करता है तो उस समय कर्म की उदय रूप दशा होती ही है। ये दो चीज हुई ना, उसमें परिणाम आत्मा ने स्वयं किए, लेकिन स्वयं होते हुए परिणामों के साथ कर्म की एक उदय रूप दशा होती है। तो आत्मा ने स्वयं परिणाम किए और इन परिणामों का कर्ता मैं ही हूँ, ऐसा जो जाना वो तो हुआ निश्चय नहीं, ठीक है। अच्छा, अब उसके उस परिणाम के साथ में उसके आसपास विद्यमान जो वस्तुएं हैं और उनमें जो परिणमन हो रहा है वो भी जानने में आता है, क्योंकि ज्ञान का काम तो स्वपर को जानना है, इसलिए वह भी जानने में आता है। तो किस रूप में जानने में आता है, परिणाम तो
मैंने स्वयं ही किए हैं, लेकिन इन परिणामों में एक ऐसी निरपेक्षता पूर्वक सापेक्षता है। निरपेक्षता पूर्वक एक ऐसी सापेक्षता है। निरपेक्षता तो क्या है? परिणाम शत प्रतिशत स्वयं मैं ही करता हूँ, ये तो हुई निरपेक्षता। इस निरपेक्षता के साथ एक ऐसी सापेक्षता भी है कि ये परिणाम तभी होते हैं जब इसके साथ एक विशिष्ट प्रकार के कर्म का विपाक होता है, कर्म का उदय होता है। अगर उदय नहीं होता तो ये परिणाम भी नहीं होते हैं। तो ये बात भी जानने में आई ही नहीं, ये परिस्थिति नहीं जानने में आई। जैसे हम कहते हैं कि मर गया बेचारा, वो क्यों मर गया, कि उसकी आयु इतनी थी, क्यों मर गया। अभी इसके हजार प्रश्न करो, हजार तरह की घटनाएं घटी हो, तो उनका उत्तर क्या है? एक ही उत्तर है, उसकी आयु इतनी थी। और उसके भीतर चलो तो आयु आयु तो थी जो थी, आत्मा को वहाँ इतने ही समय ठहरना था शरीर के साथ, और शरीर का ये रूप उतने ही समय रहना था। कर्म ही निकल गया बीच में, तो कर्म तो कोई करता है नहीं, ये तो हो गया। अरे भाई ये तो सब ठीक है, तुम जानते हैं, कुछ तो हुआ होगा, तो और क्या होता है, आयु बीत गई और क्या है। नहीं नहीं, और भी बहुत सी बातें होती हैं, वो भी तो तुमने देखा होगा, हाँ एक्सीडेंट हुआ तो उधर उसके आयु कर्म का क्षय हुआ और इधर एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो गई। सारे लोक में यही कहा जाता है, आयु कर्म के क्षय से उसकी मृत्यु हुई, ये कोई नहीं बोलता। जो नहीं समझते हैं उनको तो भाई बोलना ही क्यों है, वो तो यही मानते हैं कि एक्सीडेंट से मृत्यु हुई। लेकिन जो जानते हैं वो भी यही कहते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया, क्यों ये कहा जाए कि आयु कर्म के क्षय से मृत्यु हुई, तो फिर वहाँ दूसरा प्रश्न खड़ा रह जाता है। इसलिए खड़ा रह जाता है कि मृत्यु तो होती है, लेकिन वहाँ पर अन्य दूसरा कोई न कोई हेतु, कोई न कोई परिस्थिति हर एक व्यक्ति के साथ होती ही है। वो परिस्थिति कौन सी है? तो वो क्या परिस्थिति होती है? आयु कर्म का क्षय हो गया। अरे भाई वो भी होती है, होती है, इतना तो मानो। उस परिस्थिति से नहीं उसके आयु कर्म का क्षय हुआ, उससे कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो परिस्थिति होती है तो वो ज्ञान का विषय भी बनती है। तो हम केवल तुम्हारे उस ज्ञान के विषय को पूछना चाहते हैं कि उस समय और क्या बात थी। कुछ आता है बात? निश्चय का विषय तो क्या है कि वो तो आयु कर्म का क्षय है, अथवा उस आत्मा का वहाँ ठहरने का समय समाप्त हो गया, स्वकाल ही समाप्त हो गया। अब उसको आगे अपनी यात्रा को निकलना है। अब दूसरा क्या है कि वहाँ ये होता है तो ऐसे ही थोड़ा ही हो जाता है कि चूल्हा जल गया, कि कैसे जला, कि जल गया बस, अपना समय आ गया उसका और वो जल गया। जल तो गया, लेकिन वहाँ कुछ और भी होता है। और क्या होता है? बस चूल्हा जल गया और क्या है? समय पर जलना होता है, ये हर एक कार्य समय पर, हम तो इतना जानते हैं कि हर एक काम समय पर होता है। कि तुम जो जानते हो, तुम्हारा काम, तुम्हारा ज्ञान है तो ठीक है तो अच्छा, लेकिन ये ज्ञान तुमको डुबो देगा। तो इसके साथ में होने वाली जो दूसरी स्थिति है वो भी ज्ञान में आती है और तुम उससे इनकार हो, तुम उसके होने मात्र से इनकार हो। हम उसके कर्तृत्व को नहीं जोड़ते हैं इसके साथ, लेकिन तुम उसके होने मात्र से इनकार हो। होने मात्र से भी जो इनकार है तो वो ज्ञान खोटा है, क्योंकि जो है उसको तो बता मैं बात को। इसलिए वहाँ जब चूल्हा जलता है तो वहाँ और भी कुछ उपक्रम दूसरे होते हैं, दियासलाई होती है, कोई जलाने वाला कोई होता है, अथवा अपने आप ही कोई ऑटोमेटिक हो ऐसा सिस्टम, तो भी ऑटोमेटिक भी एक निमित्त हुआ कि नहीं हुआ। ये भी परिस्थिति होती है
उसको भी तुम बताओ। और वो बताने का तरीका यह है कि जैसे वो आयु कर्म के क्षय से मरा उसी तरह वो एक्सीडेंट से मरा, यही कहा जाता है, यही कहने में भी आएगा, कहने के सिवाय और कोई दूसरा तरीका नहीं। अब और आप लोग कह के बता दो, अगर कोई कह सकते कहो ना, कभी सोचा तो होगा कि भाई हम दूसरा तरीका निकालेंगे इसका कहने का, ये कि आयु कर्म के क्षय से मरा ये तो हो गया निश्चय, वैसे भी व्यवहार में चला जाएगा पर अभी तो निश्चय ही मानो। और एक्सीडेंट से मरा, इसका एक्सीडेंट से मरा तो ये भी हमने इसी तरह बोला जैसे आयु कर्म के क्षय से मरा, उसी तरह बोला कि एक्सीडेंट से मरा, तो दोनों बात बराबर हुई। कि दोनों बराबर नहीं है, नहीं है तो इसे बोलने का कोई दूसरा तरीका निकालो जिससे वो झड़ समझ में आ जाए, तो क्या कहेंगे? नहीं है कोई तरीका है? कोई तरीका नहीं है ना, ये है नहीं है, ऐसे ही बोले क्यों? दूसरा कोई मार्ग नहीं है, इसलिए दोनों के बोलने का तरीका तो यही है। लेकिन क्योंकि हमारे ज्ञान ने पहले विभाजन कर लिया है, समझ लिया है इस बात को कि आयु कर्म के क्षय के बिना कितना ही एक्सीडेंट हो मौत नहीं होती है, और यदि मृत्यु हो जाए तो वो जो एक्सीडेंट है उसको भी मृत्यु का कारण कहा जाता है, माना नहीं जाता, बस इतना फर्क है, कहा जाता है। इसका नाम हुआ जो वास्तव में कारण नहीं है उसको कारण कहना, इसी को तो व्यवहार कहते हैं। मैंने जो कारण नहीं है, कर्ता नहीं है, उस वक्त कारण और कर्ता का उपचार करना, उपचार शब्द है ना, उपचार, उपचार मैंने एक का दूसरे पर धरना, काम तो है आयु कर्म का, तो आयु कर्म के कार्य को एक्सीडेंट पर रखना और ये कहना कि एक्सीडेंट से मरा, ये हो गया ये कथन। ये कथन हुआ व्यवहार, एक्सीडेंट एक्सीडेंट की जगह रहा और उसकी मृत्यु के स्थान पर रही, आयु कर्म के स्थान पर रहा, इससे परिस्थिति में, व्यवहार से परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह एक्सीडेंट से मरा ऐसा कहने से वो एक्सीडेंट से मर गया हो ऐसी बात नहीं, लेकिन ये कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि ये बात हमारे ज्ञान में आई है तो ज्ञान बताए बिना नहीं रहेगा कि भाई ये तो थी बात, लेकिन इतना और था वहाँ पर आसपास इतनी परिस्थिति। तो ये काम हमेशा इस तरह होते हैं, यद्यपि होते न्यारे न्यारे और स्वतंत्र हैं। तो वो ज्ञान मुख्य और निरपेक्ष, और वो ज्ञान विश्वास का विषय, श्रद्धा की लायक, और ये ज्ञान केवल सिर्फ ज्ञान का विषय, जानने लायक लेकिन विश्वास के लायक नहीं है। ये निश्चय व्यवहार की पद्धति है, इसमें कारणकारी भी याद रखना चाहिए। क्यों बोलते हो आप ऐसा, क्यों कहते हो? कि आप दूसरी तरह बोल के बता दो किसी से भी, कोई भी कह दे कि अच्छा हम बताते हैं दूसरी तरह बोल के, तो बताओ कैसे बताते। तो आप लोगों ने अब तक कोई जोड़ नहीं लगाया व्यवहार का तरीका, कोई रास्ता कहने करने का नहीं बना, नहीं बना क्या? सोचा ही नहीं कि क्या करें है? लगाया था जो, अच्छा अभी 10 लक्षण में लगाया हुआ है, इसमें प्रेम में लगवाया हुआ है, मैं लगाऊं?
दूसरी बात निमित्त निमित्तिक भाव में बनती है ना, तो निमित्त है और वो नैमित्तिक है, ऐसा कहते हैं ना। तो साहब हम ऐसे कह सकते हैं कि उससे हुआ, एक्सीडेंट से हुआ, ऐसा न बोलकर हम यू कह देंगे कि एक्सीडेंट तो मात्र निमित्त था, उसकी मृत्यु तो आयु कर्म के क्षय से ही हुई, वो तो निमित्त मात्र था, ऐसा कह सकते हैं। तो फर्क पड़ गया ना बात में, क्यों बालचंद जी? नहीं नहीं, फुर्सत तो मेरे को है पर उसमें फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ये मेरा पूछना है। वो जो बात अपन ने सीधी कही थी ना, जैसे आयु कर्म के क्षय से हुआ उसी तरह एक्सीडेंट से हुआ, तो दोनों बिल्कुल एक तरह से बोले अपन ने, दोनों में कोई अंतर नहीं। जो नहीं समझता है वो तो दोनों पर एक सा विश्वास करेगा, लेकिन ये कहा कि वो तो केवल निमित्त था और हुआ तो आयु कर्म के क्षय से ही है, तो इसमें बात में अंतर पड़ गया ना। फिर तो व्यवहार नहीं रहा, इसमें व्यवहार क्या रहा? इसमें व्यवहार क्या रहा रमेश जी? नहीं किया, नहीं वो नहीं मान रहा बेचारा, वो खाली व्यवहार का विश्लेषण कर रहा है। मरा तो आयु कर्म के क्षय से ही है, लेकिन ये तो एक्सीडेंट तो निमित्त था, ऐसा उसने व्यवहार को इस ढंग से प्रस्तुत किया। तो फिर व्यवहार का रूप बदल गया कि नहीं? फिर तो व्यवहार नहीं रहा, फिर तो निश्चय हो गया, नहीं हुआ? क्यों रहा? इसलिए रहा क्योंकि फिर भी पदार्थ तो दो ही रहे, एक कार्य में कार्य एक है और वहाँ फिर भी पदार्थ दो हैं। दो पदार्थों का उपयोग हमने एक कार्य के होने में किया है, इसलिए वो निश्चय नहीं रहा। चाहे निमित्त कहो, तो जो पदार्थ उपादान की अपनी स्वतंत्र परिणति से होता है, योग्यता से, तो उसके साथ किसी दूसरे को लगाना, इसी का नाम तो व्यवहार है। और व्यवहार क्या है? तो उसके साथ हमने किसको लगाया? एक्सीडेंट को, निमित्त कहकर लगाया, निमित्त ही है उसकी संज्ञा, और निमित्त कहकर लगाया, लेकिन हमने लगाया तो सही उसके साथ, वो तो निमित्त मां के, वो तो कुछ भी था, लेकिन तुमने उस निश्चय स्थिति के साथ उसका नाम क्यों लिया? बोल, वो तो स्वतंत्र हुआ है काम, बिल्कुल उससे निरपेक्ष। निरपेक्ष होने पर भी क्योंकि वो चीज थी वहां, इसलिए हमें उसका नाम लेना पड़ा। अब वो हमने बदल कर कहा, लेकिन ये कहने की जो रीति है वो सर्वत्र काम नहीं आती। ये तो केवल समझाने के लिए, निश्चय और व्यवहार का भेद बताने के लिए इस प्रकार से कह दिया जाता है, अन्यथा तो निमित्त नैमित्तिक संबंध अनेक प्रकार के होते हैं और उनमें उपकृत और उपकार बुद्धि भी होती है, इसलिए वहाँ पर निश्चय जैसा ही प्रयोग किया जाता है और करना चाहिए, वरना वहाँ अवज्ञा हो जाती है। जैसे कोई गुरु हो और उनसे देखना मिले तो वहाँ यही कहता है कि आप ही से सब कुछ मिला है। अब अगर यूँ कह दे कि आप तो निमित्त मात्र हो, किया तो सब मैंने, तो वैसे बात तो सही, तो बात तो ये है ना कि आप तो निमित्त मात्र हो और किया सब मैंने है, तो इसमें दोष क्या हुआ? लेकिन उपकार को भूल गया, उपकार को भूल गया तो क्या हुआ फिर? उपकार को भूल गया, इसलिए उन्होंने जो कहा वास्तविक वस्तु स्थिति बताई
तो उस कहने वाले पर भी उसका विश्वास नहीं रहा, नहीं रहा तो उसके वचन पर भी विश्वास नहीं रहा, इसलिए उसका ज्ञान झूठा हो गया। मैंने वो बात उसके गले नहीं उतर सकेगी, ऐसी है। इसी शास्त्र में तो आ जाती है बात, निमित्त मात्र है तो समझाने के लिए, लेकिन प्रयोग कई प्रकार के होते हैं, समय समय पर प्रयोजन के अनुसार प्रयोग में अंतर पड़ जाता है। निमित्त निमित्त भाव जो कहा जाता है वह भी व्यवहार है। उसका कारण यह है कि हर पदार्थ अकेला है, उसके साथ निमित्त नाम का पदार्थ होने पर भी उस नैमित्तिक को और उपादान को उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो होता अवश्य है लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे शरीर के साथ छाया तो होती है लेकिन शरीर को छाया की कोई जरूरत नहीं है। अगर ना हो तो शरीर खत्म नहीं होता और शरीर का काम नहीं रुकता, लेकिन वो होती अवश्य है। अब हम इसका क्या करें, होती है। इसी तरह निमित्त नाना प्रकार के उपादान के विचित्र परिणमन के साथ हुआ करते हैं, लेकिन उपादान को उनकी कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। कभी कभी जब हम निमित्त की ओर से वर्णन करते हैं और निमित्त पर बल देते हैं तो ये भी कहते हैं कि निमित्त होना चाहिए, होता है, उसके बिना कार्य नहीं हो सकता, तो वहां तो बात बदल जाती है ना, वहां तो बात बदल जाती है नहीं? नहीं बदलती, यही रहती है, यही रहना चाहिए। मैंने बदल जाती हो भले ही किसी की ढीले श्रद्धा वाले की, लेकिन रहना यही चाहिए कि चाहे वहां निमित्त पर कितना ही बल दिया जाए, कोई आवश्यकता समझ के, जैसे टोडेमल जी ने रवारा भाषी को समझाने के लिए तरह तरह के प्रयोग किए, लेकिन वस्तु स्थिति में अंतर नहीं आता। श्रद्धा जो की क्यों अडिग बनी रहती है। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन भले ही कहा जाए और ये कहा जाए कि इसी से सम्यक दर्शन होता है, इसके बिना नहीं होता, ये मूल है, ये जड़ है, इत्यादि इत्यादि चाहे कितना ही कहा जाए, लेकिन निश्चय सम्यक तो आत्मोन्मुखी होता है। इस श्रद्धा में फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ उसकी जरूरत है, आवश्यकता है उस व्यवहार की, इसलिए उस पर वजन देकर कहा जाता। जैसे खाना बनाना हो ना, तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि चूल्हे में आग तो डालो। चूल्हे में आग क्यों डालो सर, चूल्हे की आग से क्या काम, चूल्हे की आग से तो रोटी बनती नहीं, स्वतंत्र बनती है, सारा ही काम स्वतंत्र होता है। एक वो जो चिमटा हिलता है, वो चिमटा भी अपने आप ही हिलता है, सब अपने आप ही, गले थोड़ी उतरती है बात, वो तो सुन लेते हैं अपन, गले उतर जाए तो यही निहाल हो जाए, लेकिन सुनते हैं इतना ही बहुत जिनवाणी पे एहसान है। इतना होने पर भी क्योंकि वहाँ उस तरह के निमित्त विद्यमान रहते हैं और उन निमित्तों की विद्यमानता में उपादान में स्वतंत्र कार्य होता है, इसलिए कोई उन किसी को उन निमित्तों का ज्ञान भी ना हो तो उन निमित्तों का परिज्ञान कराने के लिए वजन देकर निमित्तों का वर्णन किया जाता है, निमित्तों की उपादेयता का वर्णन किया जाता है, ये करो, इनका को ग्रहण करो इत्यादि कहा जाता है। क्योंकि ऐसा न कहा जाए तो वो कार्य नहीं होता है। ये दो पद्धति उलझता है कि ये इतनी बड़ी उलझन है कि इसमें से निकलूं कैसे, लेकिन आचार्य बहुत आराम से उसे निकाल देते हैं। वो ये कह देते हैं, कहते हैं, इसमें खास बात ये कि ये जो बात हमने कही है
ये तो है श्रद्धा करने लायक। और ये जो दूसरी बात है व्यवहार की, ये है सिर्फ ज्ञान का विषय। ज्ञान का विषय भी क्यों है कि ज्ञान के द्वारा लाया नहीं गया है, वरन काम होते समय ये स्वयं ही विद्यमान रहता है और ज्ञान इसको जानता है। तो हो गया ना, उसमें से अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह है उसमें से अभिमन्यु तो नहीं निकल पाया, लेकिन अपन तो निकल आए ना उस ज्ञान चक्र में से। ज्ञान चक्र में फंसे होंगे ना बहुत से नए चक्र में। नए चक्र में फंसना वो साधारण युद्ध में फंसने जैसी बात नहीं है, वहां से तो बचकर भी आ जाए, पर नए चक्र में फंस जाए तो उसकी गर्दन कटेगी कटेगी, वो इतनी तीक्ष्ण धार वाला है। इसलिए उसमें से निकलने की कला चाहिए। जैसे किसी डॉक्टर ने औषधि दी और उसका रिएक्शन हो गया, अब वो डॉक्टर रिएक्शन को उतारना जानता नहीं है, तो बोलो वो मरेगा कि नहीं रोगी। यहाँ रिएक्शन की गुंजाइश बहुत है कि वो निश्चयाभासी हो ही सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आचार्यों को तो वो जो रिएक्शन होता है उसमें से निकालने की कला मालूम है। इसलिए वे साथ के साथ के देखो ऐसा मौका आवे तो तुरंत यहाँ निकल जाना, उसमें से निकल जाते हैं कि ये श्रद्धे नहीं है, ये तो लोक के पदार्थों की तरह से ये व्यवहार रूप जो विषय है अथवा परिस्थिति है वो भी पड़ी रहती है, कुछ उपादान के प्रति सक्रिय नहीं होती, काम करने वाली कर्ता और कारण नहीं होती, केवल उपादान ही कारण है और उपादान ही कर्ता है। वास्तव में ये श्रद्धा वहाँ पर खिसकती नहीं है, इसलिए वो नए चक्र में को पूरा जान भी गया और उसमें फंसा भी नहीं, तो उसका माथा नहीं कटा बल्कि वो मोक्ष चला गया। ये निश्चय व्यवहार की स्थिति है। समय हो गया आपका।